लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पहले ही मेरा घर उजाड़ दिया तूने, माँ बाप छीन लिए, फिर भी मैं तुझे पूछती रही। प्यार का एक हल्का सा झोंका आया जिंदगी में, वो भी तुमसे देखा नहीं गया। अगर ये इंस्पेक्टर मेरे साहब का भाई है तो फिर मेरा साहब कहाँ है भगवान, कहाँ है? मेरे भाई राम तक पहुंचा देना। तुम्हारा भाई कहाँ है साहब? बोलो साहब, मेरा राम कहाँ है? कमिश्नर साहब जानते हैं, उसे कहना। क्या कह रहे हैं साहब? बोलो साहब क्या कह रहे हैं? ये बटन किसका है? बोलो साहब जी, बोलो साहब जी, ये बटन किसका है? तीन भाई खोया है तो मैंने भी अपना एक बहादुर अफसर खोया है, लेकिन सिर्फ आंसू बहाने से ही नुकसान पूरा होने वाला नहीं है। सबसे पहले हमें उस खूनी दरिंदे का शिकार करना है जिसकी गर्दन पे किशन ने अपने कानूनी पंजे काले थे। कौन है वो दरिंदा सर? जो कोई भी है अपना ही है, कोई गैर नहीं। वार किशन की पीठ पर किया गया है और पीठ पर वार सिर्फ दोस्त ही कर सकता है, दुश्मन नहीं। किशन को पता चल गया कि गुनाहगार कौन है
लेकिन दुश्मन किशन से कहीं ज्यादा चालाक निकला। उसने एक चक्रव्यूह बनाया और अभिमन्यु को मार डाला, लेकिन उसे यह पता नहीं कि हमारा अर्जुन अभी तक जिंदा है। राम, अब तुम इस चक्रव्यूह को तोड़ोगे, लेकिन अर्जुन बनकर नहीं, अभिमन्यु बनकर। मैं समझा नहीं। यह बात सिर्फ हमें मालूम है कि किशन जिंदा नहीं रहा, लेकिन दुनिया को हम यह बताएंगे कि किशन को जान से मारने की कोशिश जरूर की गई थी, लेकिन वो जिंदा बच गया। हमें कैसे पता चलेगा कि दोस्तों की भीड़ में वो दुश्मन कौन है? ये बटन तुम्हें उस दुश्मन तक पहुंचाएगा। क्या हुआ राम? इस तरह का बटन मैंने पहले कहीं देखा है। तो फिर याद करो, कौन है वो आदमी जो ये बटन इस्तेमाल कर सकता है? हो सकता है या तो वो ये जानता है कि किशन का हत्यारा कौन है, या वो खुद किशन का हत्यारा है। दीनदयाल, ऐसे बटन तो दीनदयाल जी अपने कोट में पहनते। कौन दीनदयाल? किशन के ससुर। कहीं दीनदयाल ही वो शख्स तो नहीं है जिसे किशन बेनकाब करने वाला था? क्या बात कर रहे हैं सर, दीनदयाल जी तो एक नेक इंसान है और वो इतने नहीं कर सकते कि अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ दें। ये कलयुग है राम, यहां लोग अपनी जान बचाने के लिए अपनी बेटी की जान ले लेते हैं, और तुम तो दामाद की बात कर रहे हो। एनीवे, सबसे पहले हम यह खबर कि किशन जिंदा है दीनदयाल तक पहुंचाएंगे। अगर दीनदयाल के हाथ किशन के खून से रंगे हैं तो वो हमारे सामने हरगिज नहीं आएगा, कोई ना कोई बहाना करेगा। फिर हमारा शक यकीन में बदल जाएगा कि दीनदयाल ही वो शख्स है, और हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। एक बात याद रखिए सर, मेरी मां को नहीं पता चलना चाहिए कि किशन जिंदा नहीं रहा। स्टुपिड सन-इन-लॉ, आ गए हमारी लिखी हुई कहानी हम ही को सुनाने। थैंक यू। वेलकम कमिश्नर, वेलकम। फरमाइए, क्या खुशखबरी लाए हैं आप? खुशखबरी नहीं है दीनदयाल जी, बल्कि एक बहुत ही बुरी खबर लाया हूं। क्या हुआ? इंस्पेक्टर जयकिशन। क्या हुआ जयकिशन को? कल रात उसे कुछ लोगों ने जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन लेकिन क्या, वो बच गया। थैंक गॉड। कहां है मेरा किशन? पुलिस स्प्रिट हॉस्पिटल। जॉन से कहना कि हमारा काम अधूरा रह गया है। कौन सा काम सर? दीनदयाल के लिए काम करते हो और उसकी आंखों का इशारा भी नहीं समझते। सॉरी सर। कहना कि उसका एग्रीमेंट कैंसिल कर दो। राइट सर। Thank you.
जयकिशन साहब बच जाएंगे ना? हमारी यही कोशिश रहेगी। बोल किसे भेज दे? बोल वरना गर्दन तरसाना कर दूंगा। फिर मारने की कोशिश की गई लेकिन कामयाब नहीं हुए। एक मर गया, दूसरा भाग गया। उसका वजीर सामने पड़ा है, आप मारते क्यों नहीं? अगर हमने उसके वजीर को मार दिया तो वो हमारा बादशाह खा जाएगा। आपकी नजर काफी तेज है, हर चाल को पहचान लेते हैं। सिर्फ इंस्पेक्टर जयकिशन की चाल को छोड़कर। जयकिशन की चाल? कौन सी चाल? जिस आदमी को हमने अपने हाथों से गोली मारी थी उसने हमें पहचाना क्यों नहीं, अपनी जबान क्यों नहीं खोली? आपने उसकी जबान पर ताला जो लगा रखा है इस तस्वीर से। तस्वीर को तकदीर समझकर उसने घुटने नहीं टेके बल्कि जंग का ऐलान कर दिया। नंदू को मारकर, हमारे गोदाम को आग लगाकर, जॉन बैंकों में जितने भी हमारे जाली नोट हैं उन्हें वापस मंगवा लो। कुछ दिनों के लिए यह धंधा बंद कर दो। दीदी, डिजाइनर्स के पूछे बगैर कोई भी काम मत करना वरना पछताना होगा। दीदी का दूसरा नाम लॉयन है, अगर जोर से दहाड़ दिया तो। What? तुमने मुझको मारा, His Highness के आदमी को। I kill you. If you want to shoot, shoot. Don't talk. दादी जी, दादी जी। आ गए? चलो बेटा हाथ मुंह धोलो, मैं नाश्ता लगाती हूँ। वो तो हम लोग रोज ही करते हैं। आपकी तो हर बात मानते हैं। इसीलिए तो दादी इतना प्यार करती है तुमको। मगर आज आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कौन सी बात? आपको एक नाटक लिखना होगा। कैसा नाटक? हमारे स्कूल में फंक्शन है उसके लिए। हाँ बेटा, नाटक तो नहीं लेकिन एक हकीकत जरूर लिखूंगी। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ सीता देवी, आप अपना बयान जारी रखिए। चिमनलाल और बद्री प्रसाद ये दोनों ही मेरे पति के कातिल हैं। मेरी आंखों के सामने इन्होंने मेरे पति का खून किया और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए इन्होंने मेरे पति की लाश रेल की पटरी पर रख दी। जज साहब, आप इन दोनों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दीजिए। मेरा भारत महान, हरे कृष्ण हरे राम। ये नाटक देखते हुए थोड़ी देर के लिए तो मैं कंफ्यूज हो गया था कि कहीं ये लड़की हमें तो नहीं कह रही है कि हम कातिल हैं। मैं ये कह रहा था कि हम दोनों ने किसी का कत्ल नहीं किया। हम खूनी नहीं है, हम तो नेता हैं इस देश के। तुम खूनी हो। हाँ बेटा, ये खूनी है। तुम दोनों ने मेरे पति का खून किया। बेटा, यही है वो दोनों जिन्होंने मुझे विधवा और तुझे यतीम बनाया। अरे अरे, ये क्या हो रहा है?
किशन की मौत से जो सदमा तुम्हारे दिल को पहुंचा है उसे भूल जाओ। जो आंसू तुम्हारी आंख से टपके हैं उन्हें शोलों में बदल दो। जो वर्दी तुमने अपने भाई से छीनकर पहनी थी ताकि तुम अपने बाप के कातिल तक पहुंच सको, उन्हें मिटा सको, आज वही वर्दी मैं तुम्हें दे रहा हूं। एक बार फिर राम से किशन बन जाओ, पहन लो वो वर्दी। अगर वर्दी देनी है तो मुझे वो वर्दी दीजिए जिस पर खून के एक एक कतरे से मेरे भाई की मौत की कहानी लिखी है। मेरा भारत महान, मंत्रियों का भी होने लगा अपमान। तू चुप करके बैठे यार, जल्दी फाटक खोल। जब तक हमारे साहब का हुक्म नहीं होता हम फाटक नहीं खोलेंगे। अरे हम मंत्री हैं, मंत्री खोल। तो हम भी संतरी हैं, संतरी, किसी के बाप के नौकर नहीं। जा तेरे साहब को बुला। हवलदार। यस सर। आ गया काल चक्र। ये क्या है? वर्दी धोता नहीं है, धुलाई के पैसे नहीं मिलते हैं क्या? मिलते हैं तो? मगर मैं धुलाई बगैर पैसे के करता हूँ, कहो तो करके दिखाओ। माने तो हमारी धुलाई करेगा। मैं वर्दी की बात कर रहा था। तो फिर धो नहीं इसे? खून ही खून के दाग को साफ करेगा। इसका खून तुम दोनों का। हरे राम हरे कृष्णा, 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 हरे राम। जब से आया तब से जूं जूं म्यूं म्यूं कर रहा है। छोड़। हरे राम हरे कृष्णा। अगर मुझे पहले से पता होता कि तू इतना डरपोक है तो मैं तुझे अपनी पार्टी में कभी शामिल नहीं करता। तुम नहीं लेते तो क्या होता? मैं मर जाता? हिंदुस्तान में पार्टियों की क्या कमी है क्या? हरे राम। बद्री जी, अब सारी रात शराब ही पीते रहोगे? आइए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ। वो सलाम मुझे मार डालेगा। मैं आईजी हूँ, कोई मामूली इंस्पेक्टर नहीं। लेकिन उसने मारी दिया तो तुम क्या कर लोगे? उससे पहले मैं उसे गोली मार दूंगा। गोली? अच्छा चलो तो फिर चलते हैं। गुड नाइट चिमन। शुभ रात्रि। गुड नाइट। हरे कृष्णा। आइए चलो। हरे राम हरे कृष्णा। ये क्या बदतमीजी है? इस तरह हमारी गाड़ी रोकने का मतलब क्या है? I'm sorry sir, मुझे अभी अभी खबर मिली है कि आपकी गाड़ी में बद्री प्रसाद जाली नोट छुपा कर ले जा रहा है। जाली नोट? और मेरी कार में? जी सर। ये झूठ बोल रहा है, जरूर इसमें इसकी कोई चाल है। You shut up! अगर ये बात झूठ निकली तो मैं अभी इसी वक्त ये वर्दी उतार दूंगा। ठीक है, तुम गाड़ी की तलाशी ले सकते हो। ये नोट मैंने नहीं रखे, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। ये सब इस हरामजादे की चाल है मुझे फंसाने के लिए। लड़ी बास्टर्ड, तेरी इतनी हिम्मत? तूने मुझे मारा, बद्री प्रसाद को मारा? अरे अभी तो थप्पड़ मारा है, ज्यादा बकवास की तो जान से मार डालूंगा। बद्री प्रसाद पर उठने वाला हाथ बद्री प्रसाद घर से अलग कर देता है। ये गलत कर रहे हो तुम बद्री प्रसाद। चुप्पे सही के औलाद, तूने क्या सोचा? जाली नोट इसके गाड़ी में रखकर फंसा देगा मुझे? देखो बद्री, अभी तो तुम्हें 2-4 साल की सजा होगी, लेकिन कत्ल के इल्जाम में जिंदगी भर चक्की पीसनी पड़ेगी। अरे तू क्या चक्की पिसाएगा मुझे? परसों पहले तेरे बाप को निकल गया था, क्या कर सका तू और तेरा कानून? मैं तुम दोनों को भी उड़ा दूंगा। या तो गोली में चलाना। आईजी खन्ना,
जी तो चाहता है कि तुम्हें गोली मार दे। तो मार दीजिए ना, आप ही ने तो कहा था शूट सो डोंट टॉक। इसलिए कि लोग कहेंगे कि अब लॉइन चूहों का शिकार करने लगा है। आपकी बात में भी पॉइंट है, लेकिन वो जयकिशन को कैसे रोका जाए? अगर आप मेरी बात माने तो चुप, बिल्कुल बीच में मत बोलना। तेरे आइडिया पर चल के मेरा बद्री परलोक सिधार गया, अब तू मेरा भी प्रोग्राम कराने वाला है क्या? बॉस अपने दामाद को रोकिए, मुझे तो लगता है बिना का गीतमाला की अगली पायदान पर मेरा ही गीत बजाने वाला है। वो मेरा दामाद नहीं है। वो आपका दामाद नहीं है? नो। तो फिर कौन है? वो जो भी है, he is a smart boy, लेकिन डीडी से ज्यादा नहीं। कल हमारा जन्मदिन है, सारे हिंदुस्तान के बैंक मैनेजर्स को बुलाया है, उस इंस्पेक्टर को भी बुलाया जाए। जॉन, इस बार शतरंज की बाजी तुम बिछाओगे और ये आखिरी बाजी हम खुद उसके साथ खेलेंगे। हाँ भाई हाँ, बर्थडे जन्मदिन। अरे मेरा जन्मदिन नहीं, मेरा जन्मदिन कभी मेरे बाप ने नहीं मनाया, मैं क्या मनाऊंगा? और सब कुछ टाइम पे पहुंच जाना चाहिए। हाँ आजा मेरी जान, आजा आजा। क्या हुआ आप? हम लुई बोलता है। लुई साहब कैसे हैं आप? सब ठीक है ना? नहीं ठीक नहीं है, हमारा गवर्नमेंट ने तुम्हारा करेंसी पकड़ लिया। गई भैंस पानी में, लेकिन हम बच गया। क्या फायदा, डीडी मार डालेगा। क्या बकवास करता है तुम? नहीं नहीं, एक काम करो, तुम भागकर हिंदुस्तान आ जाओ, हम आज ही आता है। हाँ लगता है इसकी मौत भी इसे खींच कर यहाँ ला रही है। तेरी मौत तेरे पीछे खड़ी है। क्या बोलती है कमीनी, वो भी मर्द की आवाज में है? मेरा नंबर लग गया, ठीक है बद्री मैं आ रहा हूं। जय किशन भाई, बिना का गीत माला में मेरा ही गीत बजेगा क्या? पच्चीस साल पहले तूने मेरे बाप का खून पानी में बहाया था, लेकिन मैं तेरा गंदा खून इस पानी में बहाकर इसे गंदा नहीं करूंगा, तेरे ही जिस्म में से सुखा दूंगा ऐसे। दादी नाश्ता दो, दादी नाश्ता दो। लाती हूँ बाबा, नाश्ता दो। किशन बेटे चलो नाश्ता लग गया। आया माँ। किशन, किशन वो, वो, किशन। पापा साहब, पापा साहब, पापा साहब, पापा साहब। बेटे चल दिया। कहाँ है? चल दिया बेटा। हाँ। चल दिया। वो देख। कहाँ है साबा? ये या राम, राम कहाँ है? राम किशन कहाँ है? तेरे सामने तो हूँ माँ। तू किशन नहीं राम है। मैं राम नहीं किशन हूँ, तेरी आंखें धोखा खा रही हैं माँ। मेरी आंखें छोड़, अपनी आंखें देख। मेरी आंखें? राम रुक जा, राम रुक जा, राम राम
बता राम, किशन कहाँ है? मैं नहीं जानता माँ। अगर तू नहीं जानता तो तुझे राम से किशन बनने की क्या जरूरत थी? जवाब दे, बता। मैं नहीं जानता माँ। बोलो ना चाचा, हमारे पापा कहाँ? बोलो ना चाचा, हमारे पापा कहाँ? क्या पापा भी मम्मी के पास चले गए? बोलो ना चाचा, 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 बोलो, बोलो ना चाचा, चाचा दरवाजा खोलो ना, बोलो ना दरवाजा, बताओ ना हमारे पापा कहाँ हैं? क्यों तुम्हारे पापा वापस नहीं आएंगे? बोलो ना चाचा, हमारे पापा कहाँ हैं? बोलो ना, बताओ ना चाचा, बोलो ना। राम, मैं कहती हूँ दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। किशन कहाँ है? करूंगा माँ। उस दिन जिस दिन मुझे पता चलेगा किशन को हमसे किसने छीना है, किशन का कातिल कौन है और उस बटन का मालिक कौन है, तो फिर भी छप जाएगी। और डीडी कभी कोई ऐसा धंधा नहीं करता कि जिसमें नुकसान हो। अरे आज हमारा जन्मदिन है और किसी का मरण दिन, लेट अस सेलिब्रेट इट, कम ऑन, हियर इट इज, चेयर्स लुई।
अपने अपने ऑफिसर का जान बचाने का है तो हमको हमको यात्रा जाने दो, नहीं तो हम इसके हेड को डेट कर देगा। अपने अपने आदमी को बोलो ड्रॉप द गन। ड्रॉप द गन इंस्पेक्टर। आई सेड ड्रॉप द गन। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा पिस्तौल फेंक दो। ब्लडी फूल, अगर गोली मुझे लग जाती तो इस धरती पे बोझ कम हो जाता। यू बास्टर्ड। चुप बे दलाल। वेल डन माय बॉय, वेल डन। जिस तरह शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बादशाह को बचाने के लिए प्यादों की कुर्बानी देता है, इसी तरह हमने अपने आप को बचाने के लिए इन प्यादों को मरवा दिया। लेकिन तुम अपने आप को नहीं बचा पाओगे। डीडी को मारने के लिए तुम एक छोटा सा तमंचा लाए हो जिसके कारतूस भी खत्म हो गए। अरे बरखुरदार, इन खिलौनों से तो हम उस वक्त खेला करते थे जब इन बच्चों की उम्र के थे। आई सी, थैंक यू माई ग्रैंड चिल्ड्रन, थैंक यू। जिस उलझन ने हमें इतने दिनों से परेशान कर रखा था उसे तुमने 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो गया तुम किशन नहीं राम हो। मैं किशन हूं या राम, दोनों ही सूरत में तेरी मौत हूं। मौत के कदमों में आवाज नहीं होती बरखुरदार। अगर यकीन नहीं आता है तो नमूना देख लो। लैंग्वेज प्लीज, लैंग्वेज। यू डर्टी डॉग। जॉन बनेगा डॉन। जॉन, राम किशन वर्मा के आखिरी चिराग के बुझने का वक्त आ गया है। तुम इसकी मौत से खेलो और हम इनकी जिंदगी से खेलते हैं। चाचा! अरे ओई सांबा, तेरी तो करो जॉन, बस करो। इस दिए का तेल तो अब खत्म होने लगा है। तुम्हें अपने सवालों का जवाब चाहिए था ना? हाँ, तुम्हारे भाई किशन को मैंने ही अपने रास्ते से हटाया था। तू नाना नहीं, कुत्ता है। मामूली कुत्ता नहीं मुन्नी, बुलडॉग। क्योंकि तुम्हारी माँ की जान भी मैंने ही ली थी। भला ही हम मर जाए मगर इस कुत्ते को नहीं छोड़ना। अगर जरा सा चाकू और खींच लिया ना तो चाचा से पहले तुम ऊपर पहुंच जाओगे, यहां तुम्हारे दादा राम किशन वर्मा को हमने पहुंचाया। जॉन, इस मौत के फरिश्ते को उसके पिता के पास पहुंचा दो। Oh!
मैनेजर्स कहाँ हैं? ए, चलो उठ, चलो उधर। तेरी तो चल। ए, देखता क्या है? फटाफट चल, चल। जश्न में आए थे साले। गिरफ्तार कर लो इन सबको। दादी 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 दादी। वेल डन जयराम, वेल डन। थैंक यू सर। बाप